3% का टारगेट रखा हमने, 10,000 का 3%, ये 300 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब आप कहेंगे बस इसी से राम कहानी का, ये 300 रुपये। तो इस 300 रुपये की ताकत को आप कम करके मत आंकिए। अभी मैं आगे आपको वीडियो का आगे भाग में बताऊंगा कि यदि आप 7,045 ट्रेड ले लेते हैं इस प्रकार के 7,045 ट्रेड ले लेंगे तो कैसे ये 4,00,000 रुपये के आपके 1,00,000 रुपये बन जाएंगे, और साथ में इसके अंदर 24,00,000 से ऊपर आप प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा आपका। कैसे आपके 7,045 ट्रेड के अंदर 4,00,000 से 1,00,000 रुपये बन जाएंगे और साथ ही साथ आपका 24,00,000 से अबोव प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। ये सारा मैं अभी वीडियो के आगे के भाग में बताने वाला हूँ, तो इसको ऐसे हूँ करके रोने की जरूरत नहीं है, इसकी ताकत को कम करके मत आंकिए। जिन्होंने मेरा ETF की दुकान का पिछला वीडियो देखा है वो जानते हैं उस वीडियो के कितने व्यू है और कितना लोगों ने उसको पसंद किया है, उसमें भी लोगों को कितना भारी फायदा हो रहा है वो सब पता है लोगों को। लेकिन जो नए फॉलोअर है वो इसकी ताकत को कम करके मत आंकना, पूरा वीडियो देखना पहले, उसके बाद ही बात को आंकना। साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो में मैं आपको मेरी ETF की दुकान का वर्जन 2 समझाने वाला हूं। पहले मैं ETF की दुकान पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये उसका एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन है, वर्जन 2 उसका कह सकते हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम NSE की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ जो ETF की लिस्ट दी होती है, मैं मेरे पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे ये ETF की लिस्ट डाउनलोड करते हैं। वहाँ से हम ETF की लिस्ट को डाउनलोड करते हैं और उसमें 5,000 से ज़्यादा वॉल्यूम वाले ETF छांट लेते हैं। पिछली बार हमने 10,000 से ज़्यादा वॉल्यूम वाले छांटे थे, इस बार हमने 5,000 से ज़्यादा वॉल्यूम वाले ETF छांट लिए। और 5,000 से ज़्यादा वॉल्यूम वाले ETF में हमें जो है 80 इक्विटी पर आधारित ETF मिलते हैं। जब हम NSE की वेबसाइट से जाकर के 5,000 से ज़्यादा वॉल्यूम वाले ETF छांटते हैं तो हमें 80 ETF ऐसे मिलते हैं जो इक्विटी पर आधारित है, उनको हम अलग कर लेते हैं। 18 ETF हमें सोने और चांदी पर आधारित मिलते हैं, इनको हम अलग कर लेते हैं। पिछली बार हमने सोने और चांदी के ETF और इक्विटी ETF की एक ही लिस्ट बढ़ाई थी, इस बार हम दो अलग अलग लिस्ट बढ़ाएंगे। पहली लिस्ट में 80 इक्विटी पर आधारित ETF होंगे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा लिस्ट भी प्रैक्टिकल में, और दूसरी लिस्ट के अंदर 18 सोने और चांदी पर आधारित ETF होंगे। और कुल मिला के हम 3 अलग अलग भागों में इस दुकान का प्रयोग करेंगे, ETF दुकान का। एक भाग के अंदर इक्विटी पर आधारित 80 ETF होंगे, दूसरे भाग में सोने और चांदी पर आधारित 18 ETF होंगे, तीसरे भाग में हम मार्केट कैप के आधार पे जो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक है उनका हम प्रयोग करेंगे। तो 3 भागों में हम इस ETF की दुकान का प्रयोग करने वाले हैं। आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल में शीट दिखा देता हूं कि किस प्रकार से हम इसकी एक गूगल फाइनेंस शीट बनाएंगे जो ऑटोमेटिक अपडेट होगी। गूगल फाइनेंस शीट का फायदा ये होता है कि ये गूगल से ऑटोमेटिक अपडेट होती है, गूगल इसको अपने आप अपडेट करता है, इसमें जो प्राइस वगैरह ऑटोमेटिक फीड होते हैं। अभी मैं आपको पहले 3 भाग दिखा देता हूँ कि कैसे गूगल फाइनेंस शीट के हम 3 भाग बनाते हैं इसमें। इसके लिए हम NSEIndia.com की वेबसाइट पे गए। NSEIndia.com की वेबसाइट पे जाने के बाद हम ये नीचे यहाँ व्यू ऑल लिखा हुआ है, यहाँ हमने क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लिखा आता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पे ETF पे हम क्लिक करेंगे। ETF पे क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड CSV का ऑप्शन आता है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल फाइल आपकी डाउनलोड होके आ जाएगी। ये डाउनलोड होके पूरी इसकी एक्सेल फाइल आ गई, यहाँ ETF का नाम वगैरह दिया हुआ है। इस शीट को हम वॉल्यूम के आधार पे शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर लिखा होता है, वहां कस्टम शॉर्ट पे जाते हैं, कस्टम शॉर्ट पे जाकर के शॉर्ट बाय वॉल्यूम करते हैं और वॉल्यूम के आधार पे शॉर्ट करके हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में जाते हैं। तो वॉल्यूम के आधार पे आ गए और ये 0 वॉल्यूम वाले को इसने लार्जेस्ट मान लिया तो इसको डिलीट कर देते हैं। ITBeez का सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ उसके अंदर, कितने लाख शेयरों का कारोबार हुआ आप ऐसे देख सकते हैं, 42,28,524 शेयरों का कारोबार हुआ, फिर PharmaBeez का हुआ, फिर GoldBeez का हुआ। इस तरह से हम 5,000 से अधिक वॉल्यूम वाले शेयरों को इस ETF को इसके अंदर रखते हैं सीट में, उससे कम वालों को डिलीट कर देते हैं। 5,000 से ऊपर वॉल्यूम वाले मैंने सभी इसके अंदर ETF ले लिए हैं। और जो ये डेप्ट पे आधारित ETF है, LiquidBeez वगैरह है, वो सब इसमें से हटा देंगे। ये LiquidBeez वगैरह देख सकते हैं आप, ये डेप्ट पे आधारित ETF है। सोना चांदी का ETF अलग कर देंगे इसमें से और इक्विटी पे आधारित ETF 5,000 से अधिक वॉल्यूम वाले अलग कर देंगे। और इस प्रकार से अलग करने के बाद मैंने एक इसकी सीट बना दी है, ये वो गूगल फाइनेंस सीट है, ETF डेली अर्निंग बेस को शॉप फॉर ETF वर्जन 2। इसमें आप देख सकते हो यहाँ ETF इक्विटी शॉप का सबसे नीचे मैंने सीट में लिंक दिया हुआ है। इस सीट में हमने 3 भाग किए हैं, सबसे नीचे देखिए आप इक्विटी ETF शॉप, फिर देखिए ज्वेलरी ETF शॉप
और फिर ये टॉप 10 स्टॉक स्वैप। तो इक्विटी ईटीएफ स्वैप के अंदर जो मैंने इस तरह से एनएससी की साइड से मैं ईटीएफ लाया था, उनके आगे एनएससी और ये कोलोन लगा करके सबके सब की लिस्ट मैंने इसके अंदर ले ली है। 80 इक्विटी ईटीएफ स्वैप इसके अंदर 80 है टोटल। 81 आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि पहला भाग जो है हेडिंग का है, इसलिए 80 इसके अंदर ईटीएफ इक्विटी आधारित ईटीएफ 80 है इसके अंदर। और ज्वेलरी ईटीएफ स्वैप के अंदर ये आपको 19 दिख रहे हैं लेकिन ये 18 है क्योंकि पहला भाग हेडिंग का है। 18 ईटीएफ जो है सोने चांदी पर आधारित आ गए। और टॉप 10 स्टॉक में हमने निफ्टी के लार्जेस्ट मार्केट कैप वाले 10 शेयर लिए हैं। इस प्रकार से हमने इसको एक गूगल फाइनेंस शीट के अंदर पहले व्यवस्थित कर लिया। अब हमने गूगल फाइनेंस शीट क्यों बनाई, क्योंकि इसका फायदा ये कि इसमें हम फार्मूले डालते हैं एक्सेल की तरह, तो फार्मूलों से जो चीज हमें चाहिए वो गूगल से ऑटोमेटिक निकल के सामने आती है। तो इस शीट में मैं क्या फार्मूले डालूंगा, एक तो सीएमपी का फार्मूला डालूंगा करंट मार्केट प्राइस का, जिसके अंदर उसकी करंट मार्केट प्राइस है। मान लो कोई शेयर ए है, बी है, सी है, ये एग्जांपल लिया है मैंने, ऐसे ही काल्पनिक लिया है। उसका मान लो करंट मार्केट प्राइस 90 रुपये, तो इसमें 90 रुपये आ जाएगा। किसी दूसरे शेयर का करंट मार्केट प्राइस 46 रुपये, तो 46 रुपये आ जाएगा। तीसरे का 188 जाएगा। इस प्रकार से फार्मूले डालने से ऑटोमेटिक अपडेट होगी, हर 5-5 मिनट में सीट रिफ्रेश होगी और 80 के 80 इक्विटी शेयरों के हमारे पास करंट मार्केट प्राइस फार्मूले से अपने आप आ जाएंगे। 18 सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ के करंट मार्केट प्राइस अपने आप आ जाएंगे और इसके ये टॉप 10 जो स्टॉक है इनके करंट मार्केट प्राइस अपने आप आ जाएंगे। दूसरे कॉलम में हम फार्मूला डालेंगे उसकी 20 दिन की मूविंग एवरेज का। 20 दिन की मूविंग एवरेज इसलिए ली है कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक महीने में लगभग 20 दिन ट्रेडिंग होती है। हम ये मान के चलते हैं कि एक महीने के अंदर इसके अंदर लगभग 20 दिन ट्रेडिंग होती है। 2-4 तो शनिवार आ जाते हैं, 4 रविवार आ जाते हैं, 8 दिन तो शनिवार रविवार के निकल जाते हैं, 1-2 दिन की और कोई छुट्टी आ जाती है। लगभग नियर अबाउट 20 दिन उसके अंदर ट्रेडिंग होती है। तो 20 दिन की मूविंग एवरेज का भी फार्मूला डालते हैं, ऑटोमेटिक सीट उसको निकाल लेती है। फिर सीट क्या करती है, जितने भी 80 ETF है मान लो, इन सब के अंदर फार्मूला दिया हुआ कि कंपेरिजन करती है कि 20 दिन की मूविंग एवरेज से सबसे ज़्यादा गिरा हुआ ETF कौन सा है। मान लो किसी ETF की मूविंग एवरेज 100 रुपये थी, उसका भाव यदि 90 रुपये चल रहा है, तो 20 दिन की मूविंग एवरेज से 10% गिरा हुआ है, बाकी कोई ETF 10% से ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ ETF निकाल लेती है 20 दिन की मूविंग एवरेज से। ये माइनस मोड आवश्यक नहीं है, 20 दिन की मूविंग एवरेज के सबसे ज़्यादा पास में भी हो सकता है। कई बार बुल मार्केट होता है तो ये फिगर जो आती है 20 दिन की मूविंग एवरेज से चेंजेस, सभी के अंदर पॉजिटिव में आती है कि सभी के सभी ETF 20 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर ही होते हैं, तो जो सबसे कम ऊपर है फिर वो लिया जाएगा। तो इस तरह से सीट क्या करती है, फार्मूले से बता देती है कि सबसे सस्ता ETF कौन सा है, एक तरह से जो उस दिन के 20 दिन की मूविंग एवरेज से सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है वो उस दिन के लिए सबसे सस्ता ETF है। यदि हम खरीदते हैं तो एक दुकानदार क्या करता है, सस्ता माल खरीदता है और महंगा बेचता है, तो हमें हमारी ETF की दुकान के लिए ETF खरीदने पड़ेंगे। तो खरीदेंगे तो हम पर डे खरीदेंगे, इसमें पर डे सीट एक बार खोल के चेक करेंगे तो हमें सीट अपने आप बता देगी कि आज भाई साहब सबसे सस्ता ETF ये है। सिल्वर इक्विटी ETF में होगा तो इक्विटी ETF बता देगी, सिल्वर में होगा तो सबसे सस्ता ETF सिल्वर का बता देगी, और ये टॉप 10 स्टॉक होंगे तो उसमें सबसे सस्ता स्टॉक आज कौन सा मिल रहा है टॉप 10 में, वो सीट जो उस दिन के मार्केट के आधार पर बता देगी। सेकंड में ये क्या करेगी, इससे थोड़ा जो कम गिरा हुआ 8% गिरा मान लो उसको ले लेगी। थर्ड में इससे थोड़ा कम गिरा उसको ले लेगी। तो यदि आपको बोर्ड में ये बात कम समझ में आई है तो आपको अभी सीट पर ले जाकर प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि किस तरह से सीट में ये फॉर्मूले काम करेंगे। देखो यहाँ इसको सीट में समझिए, जैसे ये ETF का NSE कोड है, NSE के आगे कोलोन लगा के लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह सीट इसको लेती है ऑटोमेटिक। नहीं तो कई बार क्या होता है, एक ही कोड का एक ही नाम का मिलता जुलता है, यदि दूसरे किसी कंट्री में कोई शेयर वगैरह होता है तो सीट फिर उसको ले लेती है, इसलिए NSE और कोलोन अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद ये किस अंडरलिंग सीट पर आधारित है, जैसे मान लो मोमेंटम ETF है वो आदित्य बिरला सनलाइफ कंपनी का है, निफ्टी 200 के मोमेंटम 30 शेयर इसके अंदर है, एक प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं ETF ये। और ये सीएमपी के अंदर मैंने करंट मार्केट प्राइस के अंदर फॉर्मूला लिखा है, आप ये मेरी सीट में जब आप जाएंगे तो आप यहां से फार्मूला कॉपी करके अपनी खुद की सीट भी बना सकते हैं, प्राइस इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। 20 दिन की DMA का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं कि साहब 20 दिन की DMA का फॉर्मूला था तो यहां 60 क्यों लिखा, तो ये क्या होता है कि मार्केट में हॉलीडे होते हैं तो थोड़ा बढ़ा के लिख देते हैं, तो ये इसको 60 दिन को पहले इंडेक्स करेगा, 60 दिन के प्राइस को इंडेक्स करेगा, फिर उसमें से सेलेक्ट करेगा 20 दिनों को, उसके बाद उसकी एवरेज निकालेगा। तो ये 20 दिन की आप सीधा फार्मूला कॉपी करके इसको यूज कर सकते हैं, 20 दिन की DMA निकल जाएगी। फिर इसमें करंट मार्केट प्राइस में से 20 दिन की DMA कम करें तो ये जो 22 रुपये 22 पैसे करंट मार्केट प्राइस है 20 दिन की DMA से 30 पैसे ऊपर ही आ गया।
अब इसका परसेंटेज में चेंज देखेंगे कि 20 दिन की डीएमए से करंट मार्केट प्राइस कितना प्रतिशत ऊपर है, 1.38% ऊपर है ये। ऐसे सबका ऐसे फार्मूले से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये जैसे 20 दिन की डीएमए से -0.0279 गिरा हुआ है, ये 2% ज्यादा ऊपर है, ये -0.9941% गिरा हुआ है। तो इसमें से फिर ये छांट लेता है कि सबसे ज्यादा गिरे हुए कौन से। देखो इस सीट के जब इस भाग में आप आएंगे, यहां मैंने फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला आप देखेंगे मिनिमम कि ये F2 जो कॉलम है इसमें 2 से लेके 81 तक के, या F2 ये F2 से चालू हुआ है, इसे लेके 81 तक में जो मिनिमम है कितना परसेंट का, कम से कम क्या है, तो -2.78 इसमें कम से कम है। यानी इसका मतलब ये सबसे ज्यादा गिरा हुआ आ जाएगा, मिनिमम आएगा तो मतलब माइनस वाली चीज मिनिमम आएगी, या प्लस में भी होगा तो जो मिनिमम में सबसे कम बढ़ा हुआ होगा वो आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक इस फॉर्मूले से ये मिनिमम आ जाएगा। फिर मिनिमम से स्मॉल टू का मतलब कि मिनिमम से जो है एक रैंक बाद वाला कौन सा है, कि इससे थोड़ा कम गिरा हुआ कौन सा है। फिर यहाँ फॉर्मूला अगला दे रखा है मैंने कि इससे एक रैंक बाद वाला कौन सा है, यानी इसमें रैंक वन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन शेयर ऐसे आ जाएंगे जो इन 80 ETF के अंदर उसकी 20 दिन की डीएमए से सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, सेकंड वाला उससे थोड़ा कम गिरा हुआ है, थर्ड वाला उससे थोड़ा कम गिरा हुआ है, और इसका फिर ETF कोड आ जाएगा इस फॉर्मूले के आधार पे। यहां भी मैंने फॉर्मूला दे रखा है एक्स लुकअप पे कि ये जो परसेंटेज किससे मैच हो रही है उसका नाम इधर आ जाए, तो इसका ETF कोड आ गया कि अभी आपको यदि आज खरीदना होता तो नंबर वन पे ये माफेंग जो है ETF है, ये मेरा ही एसिड कंपनी का है, इसको देखना हो इसमें यहां तो इसको आप यहां जाके मिल जाएगा। आप कंट्रोल एफ करके माफेंग लिखेंगे तो ये दो आए, एक तो ये आया और दूसरा ये आया। देखो नाइसी फैंग प्लस टोटल रिटर्न इंडेक्स पे आधारित है ये ETF यहाँ पे आया, नाइसी का माफ है। ये 63.20 रुपए पे प्राइस चल रहा है इसका, 20 दिन की मूविंग एवरेज इसकी 65 रुपए है, तो ये -2.78% गिरा हुआ है। तो ऐसे इस तरह से आप प्रत्येक सीट के अंदर, प्रत्येक भाग के अंदर आपको टॉप तीन जो सबसे ज्यादा गिरे हुए वो मिल जाएंगे। ज्वेलरी शॉप में आपको सोने और चांदी के ETF में आप देखेंगे कि इस चांदी का ETF जो है ICICI सिल्वर वो सबसे ज्यादा गिरा हुआ ETF है, -4.4965%। और टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो कोटेक बैंक का जो ETF है उसकी 20 दिन की मूविंग एवरेज से सबसे ज्यादा गिरा हुआ स्टॉक है इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर देख सकते हैं फार्मूले से ऑटोमेटिक आपका पर डे निकालती रहेगी सीट। तो इस प्रकार से सीट तैयार हो जाने के बाद आपको अपने गूगल ड्राइव में सीट को कॉपी कर लेना है। गूगल ड्राइव में कॉपी नए नाम से कॉपी कर लोगे आप तो ये आप इसको इजीली रोज खोल पाओगे। आपके गूगल ड्राइव में नए नाम से कॉपी कैसे होगी वो मैं सिखा देता हूँ। और आपके फ़ोन पे गूगल सीट्स नाम की ऐप डाउनलोड कर लो, गूगल सीट्स, तो उस पर भी ये जल्दी खुलेगी। एक बार खोल लोगे तो ये आपके फ़ोन पे गूगल सीट्स ऐप में दिखाई देने लगेगी, नहीं तो आप फ़ोन पे गूगल ड्राइव में भी खोल के जो रिसेंट फाइल्स होती है वहाँ पर इसको आप चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको इसको कॉपी करना सिखा देता हूँ। इस सीट को आपको पहले कॉपी करना है नए नाम से अपने ड्राइव के अंदर। इस सीट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आपको रोज रोज मेरी सीट नहीं खोलनी है क्योंकि मेरे 2 लाख फॉलोअर है, वो यदि रोज ये सीट खोलेंगे तो यहाँ पर फिर आपके लोडिंग लिखाना लगेगा, सीट को लोड होने में प्रॉब्लम आएगी, इस पर लोड पड़ता है। तो इसको आप अपने ड्राइव में नए नाम से कॉपी कर लो, जैसे आप फाइल मेनू में जाओ और फाइल मेनू में जाके मेक ए कॉपी करो, और मेक ए कॉपी में आप इसका नाम बदल लो आपके नाम से जो भी, जैसे मान लो आपकी पत्नी का नाम रेखा है तो रेखा की दुकान कर लो। तो इस तरह से आप जो भी आप इसको नाम देना चाहें इसको आप नए नाम से कॉपी या मेक ए कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये आपके गूगल ड्राइव में नए नाम से कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी सीट खोलो वो भी अपडेट होगी नए नाम से कॉपी होने के बाद, फार्मूले भी उसके अंदर साथ में कॉपी हो जाएंगे और फिर आप उसको एडिट भी कर सकेंगे। यदि आप इसको नए नाम से मेक ए कॉपी कर लेंगे तो आप इसको फिर बाद में फार्मूलों को एडिट भी कर सकेंगे, इसमें कोई ETF हटाना है तो हटा सकेंगे, कोई जोड़ना है तो जोड़ सकेंगे। अब ये सीट तैयार हो गई, इसके बाद इसमें से शेयर खरीदने के लिए आपको रोज 10 मिनट के लिए मार्केट के आखिरी एक घंटे में इस सीट को खोल के देखना है। देखो ETF खरीदने का सबसे बढ़िया टाइम रहता है मार्केट का आखिरी एक घंटा, क्योंकि पूरे दिन की ट्रेड हो जाती है उस दिन के लिए, किसी शेयर को जो गिरना होता है वो गिर चुका होता है और जो एकदम फेयर वैल्यू लगभग लाख एक घंटे में पूरे ट्रेड के बाद निकल के आती है। सारे योद्धा जो लड़ चुके होते हैं, सारे योद्धाओं के लड़ने के बाद एक फेयर वैल्यू हमारे सामने निकल के आती है उस दिन के लिए, सबसे सस्ता कौन सा है, सबसे महंगा कौन सा चल रहा है। तो उस दिन के लिए हम सबसे सस्ता ETF खरीदेंगे। तो सारी ट्रेड हो जाने के बाद आखिरी एक घंटे में आपको इस सीट को खोल के देखना है, लगभग 2:15 से 3:15 बजे के बीच में आप इसको 10 मिनट के लिए खोल के देखिए।
और उसके बाद खरीदना कैसे है, रैंक तो आपको सीट बता देगी कि ब्याज सबसे सस्ता ETF ये है। उसके बाद खरीदना कैसे है, आप अपनी कैपिटल के 40 भाग करेंगे। देखो जो पहला ETF की दुकान का पहला वर्जन था उसमें कैपिटल के हमने 60 भाग किए थे, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट टारगेट हमने 6% रखा था, उसमें हमने प्रॉफिट टारगेट 6% से अबव रखा था, तो इसलिए हमने हमारी कैपिटल के 60 भाग किए थे। लेकिन इसमें हम प्रॉफिट टारगेट कम कर रहे हैं, इसमें हम प्रॉफिट टारगेट जो है 3% ही कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर फॉलोअर का यह मानना था कि 3% टारगेट से अपनी मनी को जल्दी जल्दी रोटेट कर पाएंगे। तो इसमें 3% टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके अपनी कैपिटल के भाग भी कम कर दिया। आपको इसको 40 भाग करने हैं। जैसे मान लो आप 4 लाख की कैपिटल लगाते हैं, इसमें आप जो है 4 लाख की कैपिटल को 40 से डिवाइड कीजिए, इसके 40 भाग कीजिए, 40 पोर्शन करेंगे तो आपके 10,000 रुपये एक बार में एक ETF में लगाने हैं। एक बार में 10,000 रुपये एक ETF में लगाने हैं। प्रॉफिट टारगेट 3% से ऊपर रहेगा। अब ये GTT बढ़ने के चक्कर में और एकदम ये जल्दी जल्दी हम लोग जो करते हैं ना लालच, ऐसे लालच मत करना। आखिरी आधे घंटे में जब आप मार्केट के आखिरी एक घंटे में जब आप सीट खोलेंगे उसी समय अपना पोर्टफोलियो देखिए, जो ETF 3% से ऊपर फायदे में उसको बेच लो। अब हो सकता है कोई 4% फायदे में मिले उस दिन आपको, हो सकता है कोई 3.5% फायदे में मिले, हो सकता है कोई 4.5% फायदे में मिले, हो सकता है 5% फायदे में मिले। तो इससे क्या होता है, कई बार आपको ज़्यादा बेनिफिट भी मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका एक्स्ट्रा फायदा है। तो आप ऐसे 3% का एक्यूरेट इसके अंदर लालच नहीं करें, GTT वगैरह भर के नहीं रखें, ऐसा कोई गिरने वाला नहीं है, सारे हम ETF ही ले रहे हैं। ETF खरीदते हैं तो हम एक पोर्टफोलियो खरीदते हैं, तो एकदम से ना तो ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा गिरता है। और 3% का टारगेट रखा हमने, 10,000 का 3%, ये 300 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब आप कहेंगे बस इतनी देर राम कहानी गई, 300 रुपये, तो इस 300 रुपये की ताकत को आप कम करके मत आंकिए। अभी मैं आगे आपको वीडियो का आगे भाग में बताऊंगा कि यदि आप 7,045 ट्रेड ले लेते हैं इस प्रकार के 7,045 ट्रेड ले लेंगे तो कैसे ये 4,00,000 रुपये के आपके 1,00,00,000 रुपये बन जाएंगे, और साथ में इसके अंदर 24,00,000 से ऊपर आप प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा आपका। कैसे आपके 7,045 ट्रेड के अंदर 4,00,000 से 1,00,00,000 रुपये बन जाएंगे और साथ ही साथ आपका 24,00,000 से अबो प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा, ये सारा मैं अभी वीडियो के आगे के भाग में बताने वाला हूँ। तो इसको ऐसे हूँ करके रोने की जरूरत नहीं है, इसकी ताकत को कम करके मत आंकिए। जिन्होंने मेरा ETF की दुकान का पिछला वीडियो देखा है वो जानते हैं उस वीडियो के कितने व्यू है और कितना लोगों ने उसको पसंद किया है, उसमें भी लोगों को कितना भारी फायदा हो रहा है वो सब पता है उन लोगों को। लेकिन जो नए फॉलोअर है वो इसकी ताकत को कम करके मत आंकना, पूरा वीडियो देखना पहले, उसके बाद ही बात को आंकना। तो इक्विटी ETF में आपको ये टॉप 3 ETF सीट बताएगी कि आज ये 3 ETF ए बी और सी, काल्पनिक नाम दिया मैंने, ये सबसे सस्ते हैं, इनमें से आप कोई ले लीजिए। तो पहले दिन तो आपको ये खरीदना है, एक भाग में से पहले दिन आपको सिर्फ एक ही ETF खरीदना है, एक से ज्यादा नहीं खरीदना है, क्योंकि यदि गिरावट चलेगी तो अभी तो बुल फेज है लेकिन जब बियर फेज आएगा तो अगले दिन हो सकता है हमें दूसरे ETF और भी ज्यादा गिरे हुए मिले और भी ज्यादा सस्ते मिले। तो एक भाग में से आपको एक दिन में एक इक्विटी ETF से ज्यादा इसमें नहीं खरीदना है। सबसे ज्यादा गिरा हुआ है तो आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो पहले दिन तो आप जो पहले रैंक पे होगा उसको खरीदेंगे। और एक ETF आपको इस गोल्ड सिल्वर ETF में से खरीदना है और एक ETF आपको इस टॉप 10 स्टॉक वाले से खरीदना है। मैक्सिमम एक दिन में यदि आप 4,00,000 रुपए लगा रहे हैं तो 30,000 से ज़्यादा का निवेश एक दिन में अधिकतम नहीं करना। आपकी कैपिटल अब कम है, 4,00,000 की जगह 2,00,000 है, तो सीधी बात है 2,00,000 में 40 का भाग देंगे। एक ETF में आप 5,000 का निवेश करेंगे, यदि 1,00,000 ही है तो 1,00,000 में 40 का भाग देंगे, एक ETF के अंदर आप 2,500 का निवेश करेंगे। लेकिन कम से कम 4,00,000 से शुरुआत करने पर ठीक रहता है, क्योंकि ब्रोकरेज भी लगता है, बाकी चार्जेस भी लगते हैं, इसलिए हम 4,00,000 इसमें लगभग अनुमानित लेके चलते हैं कि 2,00,000 या 4,00,000 से तो आप कम से कम शुरुआत करके इसमें आपको चलना ही पड़ेगा। तो अधिकतम एक दिन में 30,000 से ज़्यादा का निवेश नहीं होगा। एक पहले दिन यदि आप नहीं चालू करते हैं 30,000 से ज़्यादा का निवेश अधिकतम नहीं होगा। अब आप कहेंगे बचाओ पैसा कहाँ रखें, ये प्रश्न आता है मेरे पास कई बार कमेंट में आता है कि आपके वीडियो में पैसा कम जाता है, जो बाकी भागों का बचा पैसा वो कहाँ रखें। वैसे तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे दुकान का मामला आगे बढ़ेगा, रोज़ खरीदना आपको अगले दिन फिर से खोलेंगे, तो धीरे 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 क्या होता है कि लगभग पैसा इसके अंदर कंज्यूम हो जाता है। फिर भी जो कंज्यूम नहीं हो उसके लिए लिक्विड बीज जो ऑप्शन होता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। यदि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कोई पैसा पड़ा है तो उसको पार्क करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है लिक्विड बीज। अब आप लिक्विड बीज पे अलग से मेरे से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता देना, अगली बार भी मैं वीडियो लिक्विड बीज के बारे में जानकारी वाला बना दूंगा। तो लिक्विड बीज में आप बचा हुआ पैसा रख सकते हैं, इसमें लगभग आपको सेविंग अकाउंट की तरह 3 से 4% का फायदा हो जाता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में और इसमें अंतर यह है कि सेविंग अकाउंट में तो आपके
पैसे पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसमें जो पैसा है वो जब आप प्रॉफिट वाली यूनिट बेचते हैं तभी आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, नहीं बेचेंगे तो आपको नहीं देना पड़ता। तो मैं अगले अलग वीडियो बनाऊंगा तब आपको लिक्विड बीज के बारे में समझा दूंगा, यदि आप कमेंट में मांग करेंगे तो ही अलग वीडियो बनेगा। तो आपको समझ में आ गया कि एक बार में एक एक दिन में एक एक भाग से एक एक ETF से आपको ज़्यादा नहीं खरीदना। अब दूसरे दिन आपने फिर से सीट खोली, बाई चांस क्या है कि जैसे गिरा हुआ अगले दिन भी यही गिरा हुआ था, अगले दिन भी पहली रैंक पे यही था, तो फिर आपको रैंक दो वाला खरीदना है उस दिन। यानी पहले दो ETF यदि आपके पास पहले से लिए हो तो रैंक तीन वाला खरीदना है, पहला ETF पहले से लिया हो तो रैंक दो वाला खरीदना है। ऐसे इनमें चलेगा कि यदि कोई ETF पहले से होल्ड हो तो इन तीनों में से जो नहीं है वो आपको खरीदना है, और पहले फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस प्राथमिकता क्रम से इस प्रकार से आपको खरीदना है। यदि इसके अंदर आपके पास तीनों के तीनों ETF पहले ही लिए हुए हों तो इसके अंदर एक भी नया ETF नहीं आएगा। पहले वाले ETF को एवरेज करने का सिस्टम अलग है, वो अभी आगे एक भाग में बताऊंगा। उनको एवरेज कर सकते हो आप कि यदि कोई ETF इसके अंदर ये ए ETF है या आपके पास पहले से लिया हुआ है, बी ETF है मान लो ये आपके पहले से लिया हुआ, ये सी ETF है या पहले से लिया हुआ है, तीनों तीनों लिए हुए हैं, यदि कोई इसमें 5% से ज़्यादा गिरा हुआ हो, 5% से अबो गिरा हुआ हो, तीनों रैंक में भी आता हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में उसका नाम हो और आपके पास होल्ड हो पहले से, और 5% से ज़्यादा गिरा हुआ हो, तो उसको एवरेज आउट करने के लिए खरीद सकते हैं। इसको कहते हैं स्मार्ट एवरेजिंग विधि। एक मेरा वीडियो स्मार्ट एवरेजिंग विधि का पहले से बना हुआ है, इस बार हम इसमें स्मार्ट एवरेजिंग विधि का प्रयोग करेंगे। पिछली बार जो ETF की दुकान का वर्जन फर्स्ट था उसमें हमने कहा था कि पिछली खरीद से 2.75% से ज़्यादा गिरा हो तो हम प्रयोग यूज करेंगे। उसमें तो क्या था, आपके पूंजी के हमने 60 भाग किए थे, तो 60 भाग में पूंजी काफ़ी बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी, तो यदि हम पिछली खरीद से 2.75% से ज़्यादा गिरावट पर खरीद लेते तो जल्दी जल्दी खरीदारी हो भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार हमारे पास पूंजी के भाग कम है, हमने 40 भाग किए हैं, हम ज़्यादा एवरेज आउट करने को प्राथमिकता नहीं देना चाहते। हम इसमें स्मार्ट एवरेजिंग विधि का प्रयोग करेंगे, जो कि पहली एवरेजिंग उसमें पिछली खरीद से 5% से ज़्यादा गिरावट होने पर होती है, दूसरी एवरेजिंग एवरेज प्राइस के 10% से ज़्यादा गिरावट होने पर होती है, तीसरी एवरेजिंग एवरेज प्राइस के 15% से ज़्यादा गिरावट होने पर होती है। अभी मैं स्मार्ट एवरेजिंग के बारे में आगे थोड़ा और आपको प्रकाश डाल दूंगा, बाकी डिटेल में जो गहराई में उतरना चाहें स्मार्ट एवरेजिंग विधि की, वो इसका संबंधित वीडियो जो पहले बना उसको देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपके बात समझ में आ गई कि आपको एक दिन में एक पोर्शन से एक ETF से ज़्यादा नहीं खरीदना है। तो इस प्रकार से जब हम ETF को खरीद लेंगे तो लगभग 80% केसों के अंदर आपको 3% से ऊपर टारगेट बहुत शीघ्रता से मिल जाएगा, जल्दी जल्दी आपको 3% से ऊपर टारगेट मिल जाएगा 80% केसों के अंदर। लेकिन 20% में आप इतने भाग्यशाली नहीं रहेंगे और वो आपके ETF ज़्यादा गिर जाएंगे, तो उनको एवरेज करना पड़ेगा फिर आपको। देखो हम लोग आमतौर पर शेयर बाजार में क्या करते हैं, कोई शेयर या ETF बड़े जोश में आके खरीद देते हैं, उसके बाद जब वो गिर जाता है तो हाथ खड़े करके खड़े हो जाते हैं, हम उससे बाहर निकलने कोई प्रयास नहीं करते। यदि हम पानी में गिर गए तो बस डूबना ही हमारा नियत हो जाती है, हम डूबेंगे, हाथ पैर चलाएंगे ही नहीं, हम उसको बाहर निकलने के कोई प्रयास नहीं करते, ना एवरेज करने के लिए पहले से फंड मेंटेन करके चलते हैं। ये इतना मैंने 40वां हिस्सा इसीलिए नहीं किया था, अब हम तो जल्दी जल्दी करोड़पति होने के चक्कर में आ जाते हैं, हम सोचते हैं 40 हिस्से क्या करने हैं, 15 हिस्से ही करूँगा मैं 15 हिस्से करके फटाफट हो जाऊँगा, 3% तो ईजी है मेरा, आ जाएगा अगले दिन आ जाता है, ऐसे अपना दिमाग लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, 3% भी इतना ईजी नहीं होता, 3% भी मुश्किल आता है, 3% से एक एक जो करोड़ रुपए बन जाते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो इतना इजी नहीं होता 3% टारगेट आना। तो 20% केसों में आपका टारगेट नहीं आएगा, तब आपका जो एवरेज करने के लिए फंड है वो काम आएगा। तो वो आपको कैसे एवरेज होगा, इसका स्मार्ट एवरेजिंग विधि है जिसका पहले मैंने वीडियो बना रखा है, मैंने आपको बता रखा है स्मार्ट एवरेजिंग विधि हर शेयर में काम नहीं करती। बाद में आप कमेंट करोगे कि सर फला फला डिमका डिमका शेयर में स्मार्ट एवरेजिंग विधि काम नहीं कर रही, आप देखो पिछले 2 साल के डाटा से इसमें घाटा ही हो रहा है, हर एक में काम नहीं करेगी। स्मार्ट एवरेजिंग विधि आपके सिर्फ ETF में काम करती है और निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक है, लार्जेस्ट मार्केट कैप वाले स्टॉक है, उनमें काम करेगी। उनमें आप अपना अजमा के देख लेना, आपको कभी भी घाटा नहीं मिलेगा, आपको हमेशा स्मार्ट एवरेजिंग विधि से एवरेज करोगे तो आपको फायदा ही मिलेगा। मेरे बहुत से फॉलोअर, ये वीडियो आया था स्मार्ट एवरेजिंग वाला 3 से 4 साल पहले आया था, 3-4 सालों से फॉलोअर यूज कर रहे हैं और प्रशंसा करें, कमेंट करके बता रहे हैं कि उनका अच्छा फायदा हो रहा है उनको। तो स्मार्ट एवरेजिंग विधि में यदि आपने 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा है तो पहली एवरेजिंग कब होती है, उसके 5% गिरने के बाद होती है। स्मार्ट एवरेजिंग में पहली एवरेजिंग उस शेयर के या ETF के 5% गिरने के बाद होती है। 100 रुपये पे खरीदा तो मान लो 95 रुपये हो जाएगा, वो आपको अपने बहुत सीधा सिंपल है, आपको अपने पोर्टफोलियो में देखेगा कि 5% से ज़्यादा गिरा हुआ है, और शर्त यह है कि उस टॉप 3 में भी होना चाहिए,
इसमें ETF की दुकान में शर्त यह कि वो रैंक में भी टॉप 3 में आना चाहिए और 5% से ज़्यादा गिरा हुआ भी होना चाहिए, तो ही आपको उसको एवरेज करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो वो 5% से ज़्यादा गिरा हुआ होना चाहिए, 6 हो 7 हो वो तो चलेगा, आपने सीट खोल के देखी वो मिला ही आपको 8% गिरा हुआ तो अच्छी बात है और कम पे एवरेज हो गई, लेकिन 5% से कम नहीं होनी चाहिए। तो पहली एवरेज आपको मान लो 100 पे खरीदा हुआ था तो 95 रुपये पे हो गई, और एवरेज प्राइस आपका अगले दिन से आपकी पोर्टफोलियो अपने आप एवरेज प्राइस दिखेगा कि आपकी एवरेज प्राइस अब 97 रुपये 50 पैसे है। दूसरी एवरेजिंग क्या होगी, एवरेज प्राइस के 10% से ज़्यादा गिरने पर होगी। एवरेज प्राइस दिखेगा ही आपके पोर्टफोलियो में, सिंपली यही दिखता है, सिंपल है ये, आपके पोर्टफोलियो में यदि 10% से ज़्यादा गिरा हुआ दिखे तो वो किससे दिखता है, वो हमेशा एवरेज प्राइस से गिरा हुआ ही दिखता है। आपके जो पोर्टफोलियो में जो भाव दिखते हैं वो एवरेज प्राइस से गिरे हुए दिखते हैं। तो एक बार एवरेज करने के बाद आपका एवरेज प्राइस ये हो गया, अब वो यदि 10% से ज़्यादा गिरा हुआ दिखे तो इससे एवरेज प्राइस से 10% ज़्यादा गिरा हुआ, यानी दूसरी एवरेजिंग 87.75 के बाद होगी, जिसकी ETF में और जो टॉप 10 शेयरों में ज़्यादातर केसों में जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही बियर मार्केट हो तो दूसरी बार एवरेज करने की जरूरत पड़ती है। तो आपने ये 87.75 पे दूसरी बार एवरेज कर लिया, तो अब आपका एवरेज प्राइस क्या हो गया, 92.62 के आसपास हो गया आपका एवरेज प्राइस, ये हो गया। लेकिन इसमें ये इससे भी कम होगा क्योंकि इस पे शेयर ज़्यादा आएंगे, अगली बार जब खरीदेंगे तो इस पे शेयर थोड़ा कुछ ज़्यादा मिलेंगे, तो एवरेज प्राइस इससे भी कम होगा। मैं समझाने के लिए मान के चल रहा हूँ कि 92.62 हो जाएगा। तीसरी एवरेजिंग की जरूरत तो इसमें ETF में और आपके लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर बहुत ही कम पड़ती है कि इससे एवरेज प्राइस के भी 15% से ज़्यादा गिरने पर, यानी पहली एवरेजिंग पहली खरीद के 5% से ज़्यादा गिरने पर, दूसरी एवरेजिंग एवरेज प्राइस से 10% से ज़्यादा गिरने पर, और तीसरी एवरेजिंग एवरेज प्राइस से 15% से ज़्यादा गिरने पर, 78.73 के ऊपर आ जाएगा यदि प्राइस, तो उसको तीसरी बार एवरेज करना है, जो रेयरेस्ट केस के अंदर इसकी जरूरत आवश्यकता पड़ती है। तो अब आपको और डिटेल में इसको समझना है तो जो स्मार्ट एवरेजिंग विधि का मेरा पहला वीडियो है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको देख लेना, स्मार्ट एवरेजिंग को आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो जो 80% ETF में तो आपके 3% प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन कहीं आप फंस गए 20% ETF के अंदर तो वो आपके स्मार्ट एवरेजिंग से एवरेज होने के बाद आ जाएगा। एवरेज हो गया, मान लो एक बार आपने 10,000 का निवेश किया, दूसरी बार एवरेज किया 10,000 और निवेश किया, तीसरी बार एवरेज किया 10,000 और निवेश किया, और अब इसमें 3% का टारगेट आ गया, तो तीनों में 3% प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तीन स्टेप आप एक साथ चढ़ गए, तीनों में 3% की प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और मैंने आपको बताया था कि 7,045 स्टेप आप पार कर दोगे तो कैसे इसमें 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे और कैसे इसमें 25 लाख के करीब आपको डिविडेंड मिल जाएगा, वो सब चीज़ें मैं अभी आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ये स्टेप कैसे पार होते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई कि ये ऐसे अरेंज होगी। और दूसरा बात, स्टेप पार में एक बात और ध्यान रखना, ये 7,045 स्टेप पार करने में एक बार आपने यदि किसी शेयर को खरीद लिया, आज आपने ये खरीदा, दूसरी बार ये खरीदा, तीसरी बार ये खरीदा, चौथी बार ये खरीदा, पांचवी बार ये खरीदा, छठी बार ये खरीदा, सातवीं बार ये खरीदा, अब इसमें आपकी जो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर उसमें आप खरीदते जा रहे हो अगले दिन, फिर ये खरीदा, फिर आपकी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर आपने ये खरीदा, फिर आपकी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। हम अच्छे से शेयरों में काम कर रहे हैं, हम जो है ETF में काम कर रहे हैं, सोने चांदी के ETF में काम कर रहे हैं और निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, हमारे पास इसका बैकअप प्लान भी है कि यदि गिर गया तो हम इसको स्मार्ट एवरेजिंग विधि से एवरेज करके 3-4 स्टेप में एक साथ प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो इसके अंदर ये आप मान के चलो कि एक बार आप यदि खरीदते जा रहे हो तो आज नहीं तो कल चाहे 2 महीने बाद हो, इनमें प्रॉफिट बुकिंग होती जाएगी और धीरे धीरे सब में हो जाएगी। आगे हम कितना टाइम लगेगा गिनती करने के लिए कि 7,045 स्टेप में हमारे कितना टाइम लगेगा, तो हम दिन के आधार पर गिनती कर सकते हैं कि रोज़ हम कितने ETF खरीदते हैं उसके आधार पर अनुमानित टाइम की गिनती हो जाती है कि इसे 1 करोड़ के स्टेप तक लाने में हमें कितने समय की जरूरत होगी, वो मैं भी आपको आगे शीट में समझाता हूँ। तो अब ये मेन समझने वाला भाग आ गया, आपको मालूम चलेगा कि कैसे 7,045 स्टेप में हमें कैसे कैसे फायदा होगा। शुरू में हम 4 लाख रुपए की कैपिटल लेके चले, इसके हमने 40 भाग किए, देखो सीधा फार्मूला है, जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूं ध्यान से देखो, 4 लाख का 40 का भाग दिया तो 10,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल आ गई आपकी। एक शेयर में आपको एक ETF में एक बार में 10,000 रुपए लगाने हैं, 3% प्रॉफिट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है 10,300 रुपए हो जाएगी। सीधा फार्मूला दिया हुआ है, 10,000 में 1.03 की गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू 10,300 रुपए हो गई। प्रॉफिट निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस किया, 10,300 में से 10,000 घटाए, 300 रुपए प्रॉफिट आ गया। यहां तक बात आपके समझ में आ गई। अब दोनों साइड का ब्रोकरेज चार्ज मैंने कम किया, इसमें ब्रोकरेज प्लस डिलीवरी चार्ज 16 रुपए मैंने
इसमें कम किया है, जो सीडीएसएल का चार्ज होता है और जीरो दा भी डिलीवरी चार्ज देता है वो मैंने कम किया है। मैंने जीरो दा ब्रोकर के हिसाब से समझाया है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ज्यादातर का खाता इसमें जीरो दा में ही होता है, तो आप अपने ब्रोकर के हिसाब से इसको ब्रोकेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। मेरे ब्रोकेज ये लगता है अधिकतम ब्रोकेज है ये 40 रुपए 36 पैसे में एसटीटी जीएसटी फीएसटी सब आ गया। तो यदि मैं इस तरह से 10,000 का खरीदूंगा 10,300 में बेचूंगा तो अधिकतम मेरा जो है डीमेट चार्ज वार्ज लग करके 40 रुपए 36 पैसे का खर्चा इसमें अधिकतम होगा। अब मेरे हाथ में प्रॉफिट बच गया 259.64 रुपए 259.64 मेरे हाथ में प्रॉफिट बच गया। इसमें से मुझे 15% इनकम टैक्स देना होगा। एक बात याद रखना, अभी जो सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ में इनकम टैक्स के रूल बदल गए हैं, इनमें आपको इनकम की स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स देना होता है। तो मैं तो ये कहता हूं ये आप अपने परिवार के ऐसे सदस्य के नाम खाता खुला के करो सिल्वर गोल्ड ईटीएफ में, जिसकी आय टैक्सेबल बनती नहीं हो तो इनकम की स्लैब के आधार पर जब तक उसकी आय टैक्सेबल में आएगी तब तक तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी आप अपने विवेक से करें। अभी सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ में टैक्सेशन के रूल बदल गए हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके इक्विटी ईटीएफ के अंदर और आपको जो टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर 15% इनकम टैक्स देना होता है। तो इसका 15% जो इनकम टैक्स क्या होगा, रिमेन प्रॉफिट का जो 15% हमने कैसे निकाला है, इनटू 15% की गुणा किया है, फिर इसके अंदर 4% हमने एजुकेशन सेस वगैरह भी जोड़ा है, 40 रुपए 50 पैसे अधिकतम इनकम टैक्स बनेगा। अब आप कहेंगे साहब मैं तो 30% इनकम की स्लैब में आता हूँ, सिल्वर ईटीएफ में जो आपने तो जो बताया नियम बदल गए हैं मुझे स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स देना होगा तो मेरे तो 30% इनकम टैक्स लगेगा। तो ऐसा नहीं है भाई, आप एक्यूरेट 3% थोड़ी कमाओगे। आप हो सकता है कि जो 3.5% कमाएं 3.85% कमाएं, किसी किसी में आपको 4% भी मिलेंगे तो लगभग वो इनकम टैक्स एडजस्ट हो जाएगा, ज्यादा फर्क इसके अंदर नहीं पड़ेगा। 40 रुपए का 80 रुपए हो जाएंगे, 40 रुपए भी आपने ज्यादा कमा लिए इसमें, 3.04 भी कमा लिया आपने तो आपके 40 रुपए इसमें इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसा कोई घबराने की बात इसमें नहीं होती, स्टेप आपको यही देख के चलना है, यही मान के चलना है लगभग। और आपका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट क्या बच गया, 219.14 रुपए बच गया, यानी जो हमारा प्रॉफिट बचा था ब्रोकरेज काटने के बाद 259.64 रुपए इसमें हमने इनकम टैक्स कम कर दिया 40 रुपए 50 पैसे, अब हमारे हाथ में 219.14 रुपए प्रॉफिट बच गया। अब हम इसमें से अपने आपको डिविडेंड देंगे 20%, अपने आपको डिविडेंड देंगे। जो दारू पीने वाले हैं वो इसकी दारू पीना, और जो इसका मेरे जैसा दारू नहीं पीता है तो मैं तो इससे घर का सामान लाता हूं। तो आपने जो घर के अंदर खाने पीने में यूज करोगे ना आप, एक बार कोई भी आप 43 रुपए 83 पैसे खुद के खाने के लिए आपके खुद के घर के लिए यूज करो, तो इस विधि का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें ग्रोथ के साथ साथ आपको पर डे नियमित आय भी होती रहती है, धीरे समय के साथ साथ ये आय बढ़ती रहेगी। तो ये 43 रुपए 83 पैसे आपने खुद को डिविडेंड दिया। और इसके बाद क्या बच गई, इसकी ग्रोथ अमाउंट कितनी बच गई, सारा टैक्स काटने के बाद अपने आप को डिविडेंड देने के बाद 175.31 रुपए जो बचे वो हमारी ग्रोथ अमाउंट है। अब हम मान लेंगे कि हमारी कैपिटल 4,175.31 रुपए हो गई, अब हम इसमें 40 का भाग देंगे तो अगली बार जब हम एक बार प्रॉफिट बुक कर लें तो उसके बाद मानेंगे एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो हम इसको इसके अंदर येलो कर देंगे, 3% की ये प्रॉफिट बुकिंग होगी तो इसको हम ऐसे येलो कर देंगे इस शीट के अंदर। फिर हम मान लेंगे कि अब हम आइंदा से जो भी ईटीएफ खरीदेंगे उसके अंदर हमें 10,004.38 रुपए का कम से कम निवेश करना है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है पूर्णांक में लेकिन इससे कम हमें निवेश नहीं करना। तो अगली बार प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो आपके अभी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-2 पैसे का फर्क पड़ता आपको दिखेगा, अब ग्रोथ अमाउंट बढ़ गई 175.39 रुपए हो गई। तो अगली दो बार प्रॉफिट बुकिंग यदि आपने कर ली तो आप दो को ऐसे येलो कर देंगे, अब आपकी टोटल कैपिटल 4,350.70 रुपए हो गई, ये इससे ऊपर ही होगी कैपिटल आपकी। कभी कभी आपको 3% की या 4% प्रॉफिट मिलेगा, वो सब आपका डिविडेंड में जाएगा, जो आपने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया वो आपका डिविडेंड में जाएगा, 3 की जगह आपने 4% कमा लिया। या आपने पूर्णांक में जैसे 10,004 रुपए का निवेश करना चाहा लेकिन पूर्णांक में ईटीएफ का शेयर ही 135 रुपए का था, 10,135 रुपए का निवेश किया आपने, तो ऊपर जो भी हो जाए वो आपके इस सेल्फ डिविडेंड में मान लेना कि वो आपको डिविडेंड 43 रुपए की जगह 60 रुपए मिल गया, 100 रुपए मिल गया, किसी के इनकम टैक्स का टंटा है तो उसको इनकम टैक्स में थोड़ा ज्यादा भरना पड़ गया तो वहां मान लिया उसने। तो इस तरह से हर बार क्या होगा, ये जो टैक्स काटने के बाद अमाउंट बचेगी ये इसके अंदर जुड़ती रहेगी। 3 बार प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो आप ऐसे येलो करते रहना, तो जैसे एक एक स्टेप आप येलो करते रहेंगे प्रॉफिट बुकिंग होता रहेगा। कल मैंने 2-3 में प्रॉफिट बुकिंग किया था तो एक साथ जैसे 3 स्टेप येलो हो जाएंगे, आपने एक दिन में 3 में येलो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो एक साथ 3 स्टेप येलो हो गए। आपने किसी शेयर को 3 बार एवरेज आउट कर लिया था, 3 बार एवरेज आउट करने के बाद प्रॉफिट बुक हुआ तो फिर एक साथ 3 स्टेप येलो हो जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी, जो जो आप आगे बढ़ेंगे तो ये अमाउंट आपकी बढ़ती रहेगी, इसके अंदर निवेश की अमाउंट आपकी धीरे धीरे ये बढ़ती रहेगी।
तो ये जब स्टेप ऐसे धीरे 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 आगे बाप के बढ़ते रहेंगे, लगभग जब 1525 स्टेप हो जाएंगे, तो आप देखेंगे आपकी टोटल कैपिटल 7,88,000 रुपए हो गई। अब आप जो एक ETF के अंदर 19,000 रुपए लगाते हैं और आपके ये डिविडेंड अब आपको 89 रुपए मिलता है अपने आपको, ग्रोथ अमाउंट 356 हो जाती है। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता रहता है। मिलते मिलते जब आप ये सीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देखेंगे ये 7,046 है। तो पहला नंबर तो एडिंग का था, पहला कॉलम तो एडिंग वाला है। 7,045 स्टेप पार कर देंगे तब आपकी वैल्यू, ये आप देखिए 1 करोड़ रुपए से ऊपर आपकी वैल्यू हो गई, आपकी टोटल कैपिटल की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो गई। अब आपको एक ETF के अंदर 2,50,080 रुपए के करीब निवेश करना पड़ता है एक ETF में, और इस बार आपका प्रॉफिट अमाउंट 3% भी 7500 रुपए होता है एक बार में सीधा। 625 रुपए ब्रोकर चार्ज घटा दो तो बचा प्रॉफिट आपके 6,877 रुपए बचता है। इनकम टैक्स काट लो तो 5,804 रुपए प्रॉफिट बचता है। सेल्फ डिविडेंड आपको 1160 रुपए मिला, और एक बार 1 करोड़ हो जाए उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आप अपने आपको डिविडेंड दीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी को एंजॉय कीजिए। एक प्रॉफिट बुकिंग भी आप करेंगे तो आपको इनकम टैक्स काट के सीधा 5,804 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। आगे फिर इसको ज्यादा ग्रोथ में करने की जरूरत नहीं है। और ये 7,045 स्टेप में आते आते आपके कितना टाइम लगा, आप ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड का जोड़ आप देख सकते हैं, 24 लाख रुपए का तो आपको डिविडेंड मिल गया इसके अंदर। और डिविडेंड मैंने कहा था ना कि एक्यूरेट आप 3% का प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे नहीं, कभी कभी 3.25 ही होगा, कभी कभी 3.3% होगा। तो ये 25 लाख से ऊपर का तो आपके डिविडेंड हो जाएगा। अब बात करते हैं 7,045 स्टेप को पूरा करने में हमें कुल कितने दिनों के टाइम लग सकता है, कितने दिन के टाइम की प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। देखिए टाइम की गणना बहुत सिंपल है। एक महीने में हम मान के चलते हैं कि 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो ये मैंने फार्मूला में 720 क्यों लिखा है कि एक महीने में यदि 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, यहां मैं ऐसे बताता हूं आपको 20, और साल में कितने महीने होते हैं 12, 20 × 12 करते हैं अपने, साल में 12 महीने होते हैं। तो यदि एक साल में आपको 240 ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं, और आप यदि हर एक ट्रेडिंग सेशन में 3 की 3 खरीदारी पूरी कर सके, 3 तरह के भाग है आपके, 3 शेयर यदि आप पर डे खरीद सकते हैं, यदि खरीद पाते जो खरीद लिया उसका, मैंने कहा था जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है ही है, खरीद लिया उसमें तो आज नहीं तो कल 3% का प्रॉफिट आ ही जाएगा, स्मार्ट एवरेजिंग विधि से एवरेज करने के बाद एक साथ आ जाएगा। तो खरीदने के हिसाब से चलेंगे हम इसमें कैलकुलेशन, अनुमानित गणना निकालने के लिए। यदि आप एक दिन में 3 ETF खरीदते हैं तो इसके अंदर ये 720 स्टेप आपके पार हो जाते हैं। यदि आप एक दिन में 3 ETF खरीदते हैं तो 12 महीने में एक साल में आपके 720 स्टेप पार हो जाते हैं, और ये 7,045 स्टेप पार करने के अंदर आपको 9.78 ईयर का टाइम लगता है, लगभग 10 साल का समय आप मान लो कि 10 साल के करीब समय इसमें अनुमानित लगेगा, जब आपकी कैपिटल ये 4 लाख की बढ़ के 1 करोड़ हो जाएगी, और इस दरमियान आपको 25 लाख के करीब आपको 10 साल में डिविडेंड में मिल जाएगा। तो 10 साल का समय कोई ज्यादा मुश्किल इंतजार करना इसमें नहीं पड़ेगा। अब हम मानते हैं कि कभी कभी ऐसा समय आया कि आपके पास तीनों ETF पहले से खरीदे हुए थे, और आपके पास जो है तीनों ETF पहले से खरीदे हुए थे, कोई भी 5% से ज्यादा या 10% ज्यादा ऐसे गिरावट नहीं था, स्मार्ट एवरेजिंग विधि की रेंज में भी नहीं आ रहा था, एवरेज करने की स्थिति में नहीं था, या आपके पास फंड खत्म हो गया, कभी कभी आप नहीं खरीद सके, तो ये मान के चलते यदि आप 2 ETF भी रोज खरीदते हैं तो आपके 240 × 2, ये ऊपर फार्मूला बार में देखो, आपको एक साल में यदि आप ये जो 20 जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं एक महीने में, साल भर में 240 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, एक ट्रेडिंग सेशन में आप 2 ETF भी खरीदते हैं तो आप 480 ETF एक साल में खरीद सकते हैं। तो इसके अंदर आपको लगभग 14.68 का समय लगेगा, 14.68 ईयर का, 15 साल के करीब आपको टाइम इसके अंदर लग सकता है। और कोई एक ही ETF यदि खरीदता है इसके अंदर पर डे, यदि एक ETF में ट्रेड वो कर पाता है, एक भाग में ट्रेड कर पाता है, तो आपको इसके अंदर 16.86 यानी लगभग 17 वर्ष का समय इसमें लग सकता है। ये इसका अनुमानित समय का है, समय इसमें कम ज्यादा हो सकता है, हो सकता है थोड़ा कम समय लग जाए, वो परिस्थितियां अच्छी रही हो, आपको 3% का प्रॉफिट जल्दी जल्दी मिलता रहे। तो जैसे जैसे आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा वैसे वैसे इस सीट का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, इसके बाद डाउनलोड कर लो, जैसे प्रॉफिट मिलता रहे इसमें आप इस तरह से इसका निशान येलो करता रहे। मान लो आपको और प्रॉफिट मिल गए इतने, तो आपने यहां तक येलो कर लिया, तो आपको पता चलेगा कि मैं 1 करोड़ की तरफ जो मेरी यात्रा है वो कहां तक मेरी बढ़ती जा रही है, उन स्टेप को आप येलो करते रहना।
इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें आप अपनी कैपिटल के अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैपिटल आपके 4 लाख की जगह 8 लाख है तो आप 8 लाख लिखेंगे यहाँ तो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक इसको 8 लाख के हिसाब से कर देगा। तो जैसा जिसकी कैपिटल है उस हिसाब से ये चेंज भी होती रहेगी। आप इस तरह से आप इसको एडिट भी कर सकते हो, सीधी एक्सेल शीट है, आप लिंक में से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं आपको ईटीएफ की दुकान का ये वर्जन 2 बहुत ही मजेदार लगा होगा। और इसमें क्या है कि आदमी का हीमोग्लोबिन खून अपने आप बढ़ता रहता है। देखो इसमें आपने देखा कि ये 7,045 स्टेप पार करने में हमें लगभग जो 9 साल से लेकर 14 साल का टाइम इसके अंदर ईटीएफ की दुकान के अंदर लग सकता है। अब आपको 9 साल तो बहुत हो गएगा, हमें तो फास्ट करोड़पति बनना है ना। अब 4 लाख से 9 साल में भी 1 करोड़ रुपये बन जाते हैं, 25 लाख से ऊपर का डिविडेंड हमें अपने दिनचर्या को चलाने के लिए मिलता रहता है। इसमें 9 साल इंतजार में भी आपको 25 लाख रुपए तो मिल जाएंगे ना उस इंतजार में। तो हमारा घर खर्च चलाने के लिए, हमें अपने दिनचर्या चलाने के लिए 25 लाख तो उस 9 साल के अंदर इनकम भी हो जाएगी। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ की तरफ बढ़ेगी, तो इसलिए मुझे तो इंतजार ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। और MTF से बढ़िया है, MTF में आप उधार लेते हैं, पूंजी का जो है ब्याज चुकाते हैं, फिर आपको उसके अंदर थोड़ी चिंता भी होती है कई बार गिरने लगता है। तो MTF में हालांकि फास्ट इस समय को आप फास्ट कवर कर सकते हो। मेरा MTF की दुकान का अलग से वीडियो है, यदि आप फास्ट कवर करना चाहें तो MTF की दुकान के हमने 3 भाग अलग से डाल रखे हैं, फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं थोड़ा फास्ट चलना चाहें तो। लेकिन स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। इसमें क्या होता है कि खून बढ़ता रहता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता रहेगा। आप एक एक स्टेप जैसे जैसे पार करते रहेंगे वैसे वैसे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता रहेगा, आपको खुद के लिए डिविडेंड भी मिलता रहेगा, आपको पता चल रहा है कि मेरे नियमित आय भी हो रही है, मेरे जो है मार्केट गिरे या बढ़े मेरे को जो है नियमित रूप से प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, मेरे पास एक सिस्टम है खरीदने का कि मैं सस्ते में खरीदता हूँ और महंगे में बेचता हूँ। और आपको विश्वास रहता है कि आप यदि कहीं जाने के लिए रवाना हो गए, कोई शहर 400-500 किलोमीटर दूर है, आप कार में बैठ के रवाना हो गए, तो आपको विश्वास रहता है कि चाहे कितना ही ब्रेक लगाऊं, चाहे मैं चाय पीने के लिए रुकूं, लेकिन यदि मेरी कार चलती रहेगी तो मैं उस शहर तक पहुंच जाऊंगा। तो आप ऐसे 1 करोड़ रुपये तक आराम से पहुंच जाते हैं, बीच में आपको 25 लाख रुपये डिविडेंड भी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी विधि नहीं हो सकती, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। और आप लोग जो है कह पूछते हैं मेरे को, वो फॉलोअर ये भी कमेंट करेंगे, क्या गारंटी है, तुमने कितना कमाया दिखाओ। तो भाई नहीं दिखा, मैं दिखा के क्या करूँगा, मैंने अपनी जो विधि थी वो आपको बता दी। आपका दिल माने, आपकी आत्मा माने, अपने विवेक से प्रयोग करें। अभी वीडियो के इसके बाद में जो डिस्क्लेमर आएगा कि शेयर बाजार में निवेश मार्केट जोखिम के अधीन है, तो मार्केट जोखिम के अधीन है, आप अपना विवेक अपनी बुद्धि लगा के प्रयोग करें, अपनी क्षमता को देखते हुए प्रयोग करें। शेयर बाजार में निवेश तो हमेशा जो रिस्की तो होता ही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य अवगत कराइएगा। नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।